वेलकम दोस्तों। अगर आप एक अकाउंटेंट हो और आप एक ऐसी कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे थे फाइनेंशियल ईयर 2023-24 असेसमेंट ईयर 2024-25 जिसके अंदर आपकी कंपनी की टैक्स ऑडिट करवाने की लायबिलिटी आ चुकी है, यानी कि टर्नओवर 1 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है, तो आप फाइनली टैक्स ऑडिट के लिए ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फाइनली बैलेंस शीट, आप ये 3 रिपोर्ट्स अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर प्रीपेयर करोगे और अपने डाटा सीए लोगों को सेंड कर दोगे। लेकिन सीए लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को देखने से पहले ट्रायल बैलेंस को वो जरूर चेक करेंगे और उसके बाद ये आपकी रिपोर्टें चेक करी जाएगी। तो बहुत सारे अकाउंटेंट लोग अब ये बात भी बोलेंगे कि जब हमने बैलेंस शीट फाइनल कर दी, हमारे जितने भी लेजर थे उनकी जितनी भी आउटस्टैंडिंग थी वो सारी बैलेंस शीट के अंदर आ चुकी है, तो फिर ट्रायल बैलेंस देखने की ज़रूरत कहाँ पड़ती है सीए लोगों को? बिल्कुल पड़ती है, क्योंकि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो ऑडिट होनी है वो ट्रायल बैलेंस के आधार पर ही होनी है। बैलेंस शीट हमारी एक रिपोर्ट है और ट्रायल बैलेंस जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमने फाइनेंशियल ईयर के दौरान जितनी भी हमने ट्रांजेक्शन करी है वो सारी की सारी रिपोर्ट्स हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखती है। जितनी रिपोर्ट हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर देखते हैं वो सारी रिपोर्ट हमें बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं होती है, तो इसीलिए सीए लोग अपनी 3CD के अंदर रिपोर्टिंग करने के लिए ट्रायल बैलेंस को एक बार जरूर गो थ्रू करते हैं। तो उसके अंदर वो क्या क्या डाटा देखते हैं आज की इस वीडियो के अंदर अपने प्रैक्टिकली डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आज की वीडियो स्पेशल उन अकाउंटेंट लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है जो पहली बार कंपनी की कोई टैक्स ऑडिट करवा रही है। तो वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना बिना स्किप किए हुए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है स्मार्ट कंप्यूटर सरायसनगर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, वीडियो अगर आपको पसंद आए, नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं, आपके पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास टैली सॉफ्टवेयर है, मैं टैली सॉफ्टवेयर के अंदर आपको बताता हूँ। जैसे अपने टैली सॉफ्टवेयर के अंदर रिपोर्ट्स हेड पे आते हैं तो फाइनली हमारी कुछ इस तरीके से ये रिपोर्ट्स हमें देखने को मिलती है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी और रेशियो एनालिसिस। अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चलते हैं जहाँ पर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो क्लियर होता है, उसके बाद बैलेंस शीट हमारी क्लियर होती है, ठीक है। लेकिन अब जैसे हमने Alt+F1 के साथ बैलेंस शीट का डाटा ओपन किया तो आपको एग्जांपल के तौर पे आपको मैं एक एंट्री बताता हूँ। अगर अपने इस लायबिलिटी साइड के अंदर देखें तो मेरे पास एक अनसिक्योर्ड की एंट्री आ रही है और इसका बैलेंस आ रहा है 4 लाख रुपए का, ठीक है। मैं टाइम पीरियड यहाँ पे चाहिए 1/4/23 से लेके 31/3/2024 तक का मैंने पीरियड यहाँ पर दे दिया और अभी अब देखो 4 लाख रुपये का अनसिक्योर्ड लोन बैलेंस आ रहा है। लेकिन अब ड्यूरिंग द ईयर बहुत सारे ऐसे हमारी ट्रांजेक्शन्स होती है जो डेबिट और क्रेडिट होने के बाद में क्लोज हो चुके थे, यानी कि उनका बैलेंस नील होता है, और जिसका बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर नील हो चुका होता है 31 मार्च से पहले पहले, तो उसकी रिपोर्ट बैलेंस शीट के अंदर शो होती ही नहीं है। लेकिन सीए लोगों को अपनी 3CD की रिपोर्टिंग के अंदर रिकॉर्ड को दिखाने के लिए प्रॉपर उनको ट्रायल बैलेंस देखना पड़ता है। अब ट्रायल बैलेंस कैसे देखेंगे, डिस्प्ले गेटवे टैली पर आके डिस्प्ले पर जाएंगे और ट्रायल बैलेंस पे जाएंगे। यहाँ पर आपको करना क्या है, Alt+F1 करना है और यहाँ पर F12 प्रेस करना है। तो यहाँ आपको दिखेगा शो ओपनिंग बैलेंस, इसको आपको यस कर देना है, शो ट्रांजेक्शन इसको भी आपको यस करना है और नेट ट्रांजेक्शन ओनली इसको आपको नो रखना है, ठीक है। उसके बाद में एक ऑप्शन और आपको दिखाई देगा टाइप ऑफ ग्रुपिंग, यहाँ आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे यहाँ पर, ये ग्रुप वाइज और लेजर वाइज। तो सबसे पहले अपने एक बार इसको लेजर वाइज पे ग्रुप वाइज अपने देखते हैं, फिर उसको लेजर वाइज भी अपने चेक करेंगे और यहाँ पर इसको डिटेल के साथ देखना है, एंटर प्रेस करते हुए अपने इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो जैसे एक्सेप्ट कर दिया आप देखोगे ट्रायल बैलेंस के अंदर यहाँ पर भी अपने टाइम पीरियड दे देते हैं 1/4/23 से लेके 31/3/2024 तक का। तो यहाँ पर आपके हेडिंग आ गए ओपनिंग बैलेंस, ट्रांजेक्शन पूरे साल के डेबिट साइड की और क्रेडिट साइड की, और यहाँ पर आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ठीक है। अब देखो हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, 3 चीज़ें हमें अलग अलग रिपोर्ट देखने को मिली है। लेकिन ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या होता है, आपके साल के मतलब ड्यूरिंग द ईयर जितने भी आपने ट्रांजेक्शन करी है, चाहे वो एक्सपेंसेस की हो, चाहे वो परचेज की हो, सेल की हो, कैपिटल की हो, चाहे वो क्रेडिटर की हो, चाहे वो डेबिटर की हो, चाहे वो बैंक की हो, सारी ट्रांजेक्शन हमें यहाँ पर ट्रायल बैलेंस के अंदर शो एक ही जगह पर हो जाती है। लेकिन अब हमें अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था अनसिक्योर्ड लोन का,
और अनसिक्योर्ड लोन बैलेंस शीट के अंदर भी 31/3/2024 को 4 लाख रुपए का बैलेंस आ रहा था और यहाँ पर भी आपको 4 लाख रुपए का ही बैलेंस दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही अपने इस अनसिक्योर्ड लोन के ग्रुप पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको दो लेजर दिखाई देंगे, एक लेजर जेवी कंपनी, एक संदीप कुमार के नाम से है। तो यहाँ पर आप देखोगे जो फर्स्ट लेजर है उसका ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख डेबिट भी हुआ है और 1 लाख क्रेडिट भी हो गया, तो क्रेडिट बैलेंस इसका नील है यानी कि क्लोजिंग बैलेंस इसका बिल्कुल जीरो होता है, इसकी रिपोर्ट बैलेंस शीट के अंदर नहीं जाएगी। और एक ये लेजर जैसा है दूसरा जिसका 4 लाख रुपये का क्रेडिट साइड के अंदर एंट्री हुई है लेकिन डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है, ओपनिंग भी कुछ नहीं है, इसीलिए इसका 4 लाख रुपये का जो बैलेंस है हमारा लाइबिलिटी साइड के अंदर शो रहा था। लेकिन जैसे अपने इस पर एंटर प्रेस करेंगे और पूरे साल का अगर अपने डाटा ओपन करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर 1 लाख रुपये क्रेडिट था और 1 लाख रुपये डेबिट हुआ, यानी कि ये बैंक से पैसा आया था और हमने बैंक से ही पैसा वापस कर दिया। तो इसका मतलब ये होगा हमने इस पार्टी से कुछ टाइम के लिए हमने पैसा उधार लिया था, जैसे हमारा पैसा हमारे पास आया तो हमने इनको वापस आज रिटर्न कर दिया। तो अब हमें इसकी बैलेंस शीट के अंदर तो रिपोर्ट गई नहीं है लेकिन ये काम सीए लोगों के लिए ज़रूरी हो जाएगा 3CD के अंदर रिपोर्ट्स करने के लिए। अब 3CD के अंदर रिपोर्ट्स के अंदर क्या चीज़ होती है, भी जो हमारा क्लोज रहता है भी जो हमने कोई लोन डिपॉजिट वगैरह किया है या लोन के हमने कोई रीपेमेंट वगैरह कोई करी है तो वो सारी की सारी डिटेल हमारी इन क्लोज के अंदर 3CD के अंदर करी जाती है। चाहे आपका ड्यूरिंग द ईयर अकाउंट क्लियर भले ही क्यों नहीं हो गया हो तो आपको ये 3CD के अंदर रिपोर्ट के अंदर सीए लोग ये भी दिखाते हैं भी आपने पैसा उधार कब लिया था, पूरे साल के दौरान आपका मैक्सिमम बैलेंस क्या रहा था और आपने रीपेमेंट कब करी थी, पैन नंबर क्या था जिनसे आपने पैसा उधार लिया था। तो वो सारी की सारी डिटेल 3CD के अंदर रिपोर्ट करने के पर्पज से सीए लोग आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का यानी कि आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का ट्रायल बैलेंस को डिटेल के साथ जरूर चेक करेंगे। क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर ऐसी बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो सकती है, मान लीजिए कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके ड्यूरिंग द ईयर आपने कोई 50-60 लाख या 70 लाख का ट्रांजेक्शन कर लिया और आपने डेबिट और क्रेडिट कर लिया, बैलेंस उसका जीरो हो गया, यानी कि आपने एज ऑन 31 मार्च 2024 से पहले पहले उसका खाता आपने बिल्कुल नील कर दिया तो इसकी रिपोर्ट बैलेंस शीट के अंदर नहीं जाएगी। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर उसकी ट्रांजेक्शन बहुत बड़ी होगी, 50 लाख से ज़्यादा की होगी तो उस अमाउंट के ऊपर भी ये चीज़ देखी जाएगी भी वहाँ पर कोई TDS का कोई प्रोविज़न तो लागू नहीं हो रहा था, भी आपने कोई ऐसा अमाउंट उधार ले लिया हो, आपने कोई बिना ब्याज उसको रिटर्न किया हो या आपने कोई ब्याज इंटरेस्ट के साथ एंट्री करी हो लेकिन आपने उनका कोई TDS डिडक्ट नहीं किया जिसकी आपके ऊपर लाइबिलिटी बनती थी TDS डिडक्ट करने की, तो वो रिपोर्ट्स भी अच्छी तरीके से सीए लोग चेक करते हैं। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर टोटल आपकी सेल भी आपको दिखती है, करंट एसेट्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें दिखती है कि सेंडरी डेब्टर्स हैं। अब सेंडरी डेब्टर्स भी आपके ऐसे बहुत सारे होते हैं वे जो ड्यूरिंग द ईयर नील हो चुके होते हैं तो वहाँ पर उनकी रिपोर्टिंग भी देखी जाएगी भी प्रॉपर जो ट्रांजेक्शन है वो एंट्री सही हुई है। क्रेडिटर ऐसे बहुत सारे होंगे जो ड्यूरिंग द ईयर हमारे नील हो जाते हैं तो आपने जो पेमेंट करी है वो आपने कोई 10,000 रुपये से ज़्यादा की कोई कैश पेमेंट तो नहीं करी, भाई चेक पेमेंट करी है, तो वो सारी की सारी रिपोर्टिंग सीए लोग इसको चेक करते हैं। हालांकि भले ही वो उसकी बैलेंस शीट के अंदर फाइनल फिगर उसके नहीं जा रही हो क्योंकि उसकी आउटस्टैंडिंग है नहीं लेकिन सीए लोग उसको एक बार गो थ्रू जरूर चेक करते हैं भी आपने अकाउंटिंग जो करी है, आपने ट्रांजेक्शन जो करी है वो प्रॉपर रूल के साथ करी है या नहीं करी है। बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जैसे आपने को 10,000 से ज़्यादा आप किसी को क्रेडिटर को मतलब पैसा 10,000 से ज़्यादा कैश नहीं दे सकते या उसके अगर बड़ी पेमेंट करनी है तो आपको भाई चेक पेमेंट करनी पड़ेगी, आपने भाई चेक पेमेंट करी है या नहीं करी है। कोई पार्टी को आपने इंटरेस्ट पे कर दिया तो उसके ऊपर आपके ऊपर जो TDS डिडक्ट करने की लाइबिलिटी अगर बनती थी तो आपने TDS डिडक्ट क्यों नहीं किया, वो सारी बातें सारी हमें ये ट्रायल बैलेंस के अंदर ही पता चलती है क्योंकि ये सारी की सारी रिपोर्ट्स हमारी 3CD के अंदर जरूर कहीं ना कहीं ये इन्वॉल्व होती है। तो इसीलिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फाइनल बैलेंस शीट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, आपको ट्रायल बैलेंस के ऊपर भी आके जरूर गो थ्रू कर लेना ताकि आपके कोई ऐसे लेजर्स जो बहुत सारी बड़ी ट्रांजेक्शन के साथ शो हो रहे हो तो आपको उसको भी जरूर गो थ्रू करना है कि वहाँ पर जो ट्रांजेक्शन थी वो प्रॉपर सही है या नहीं है। मान लीजिए आपने कोई 15,000 रुपये की किसी को कैश पेमेंट कर दी क्रेडिटर को तो वहाँ पर आपका उसका वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, यानी कि 7,000 एक दिन के अंदर दिखाना पड़ेगा, 7-8,000 रुपये आपको कोई दूसरे दिन आपको कोई पेमेंट करनी पड़ेगी एक दिन के अंदर अगर आपने कर रखी है, एक दिन के अंदर कोई ऐसा कोई बड़ा एक्सपेंसेस 10,000 से ज़्यादा की अमाउंट का अगर आपने कर रखा है तो उसका भी वेरिफिकेशन आपको करना पड़ेगा ताकि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जितनी ज़्यादा साफ सुथरी जाएगी उतना आपके लिए भी
अच्छा रहेगा। तो आई होप कि आप ट्रायल बैलेंस वर्सेस बैलेंस शीट इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो हम जैसे जैसे टैक्स ऑडिट से रिलेटेड आप लोगों के जो क्वेरी हमें कमेंट के अंदर मिलती रहेगी, हम डेफिनेटली उनके ऊपर वीडियो बनाते रहेंगे, वो भी प्रैक्टिकली तरीके से। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, नॉलेजेबल लगी, तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।